मैं कितनी भी खराब चोटी हो, कितनी भी बुरी कंडीशन हो पशु की, लेकिन ये अगर हाथ धर देंगे नहीं तो चीज सोना हो जाओगी। हाथ लगाते ही सोना बनाने वाले हैं डॉक्टर साहब। दो तीन चोटियां इनके पास ऐसी स्थिति में आई हैं बिल्कुल, जो यूं कहते थे हम भाई शायद मुश्किल है जीनी, लेकिन उन्होंने एक बढ़िया तैयार करके ऐसी फाइव स्टार मुर्रा बनाया उनको, और ये सबूत है भाई उसका। तो अभी कौन से बुल से क्या पिण है ये? अर्जुन से। अर्जुन कुंगर से क्या पिण है भाई? सारे भाई पूछते हैं, कमेंट भी बहुत आते हैं, भैंस को ब्याज से पहले यानी डिलीवरी देने से पहले तेल और घी देना चाहिए या नहीं देना? खास बात दिखाओ एक बार खुरली और दिखा दो आपकी, ये दिखाओ भाई, करिए भाई जूम एक बार। टाइल लगवा रखी है डॉक्टर साहब ने, प्लस पॉइंट ये चुंबक है ना डॉक्टर साहब? चुंबक, मैग्नेट। अच्छा चुंबक लगा रखी है, इसका क्या कारण हुआ? जो सबसे बेहतरीन भैंस होगी ना ये सच्चाई है, वही खराब होगी, नहीं नहीं होगी। अच्छा बेहतरीन, जो 20 से प्लस होगी हाँ। खराब वही होगी, ठीक है। 8-10-12 वाली खराब नहीं होगी, ये कन्फर्म है, ये कन्फर्म है, हाँ ये कन्फर्म है। अच्छा एक नहलाने का भी होता है पशु, हाँ, ये सबसे सबसे मुख्य कारण खराब होने का यही है। अच्छा यही है, हाँ। इसके बारे में 80% पशु का खराब होने का कारण है नुहाना। अच्छा हाँ जी, सभी साथियों नमस्कार जी, राम राम दीपक सिया की ओर से, और बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है। आज की खास वीडियो में एक ऐसी भैंस दिखाऊंगा जिसकी 2 करेड़ियाँ अपने घर पे खड़ी हैं, इसकी माँ भी अपनी नॉलेज में है, और इसकी भाण भी, मतलब इसकी जो 2 बहनें हैं वो भी अपनी नॉलेज में हैं, और खूब अच्छी भैंस है। एक तो कहते हैं कि 20 किलो दूध वाली, लेकिन एक कहते हैं कि 20 किलो तो खुला दूध देने वाली, वो जोटी मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। खूब बढ़िया वीडियो रहेगी, हमारे फेवरेट, बहुत आपने वीडियो भी देखी होंगी, बहुत जानकार और एक अच्छे डॉक्टर हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार के, यहाँ से वीडियो लेकर आ रहे हूँ, गांव गड्डी जिला इनका हिसार है। सारे की सारी बातचीत करेंगे, सबसे पहले मिलेंगे डॉक्टर साहब से। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। नमस्कार जी आपके दर्शकों भी, नमस्कार जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल बढ़िया, हाँ बढ़िया, ठीक है। गाँव अपना गड्डी हो गया, जिला हिसार हो गया। मोबाइल नंबर और बता दो। 99916, ठीक है, 46639, ये अपना मोबाइल नंबर है भाई। स्क्रीन पर रूटीन तो चलेगा, बहुत अच्छे जानकार हैं। वह काम कितनी भी खराब चोटी हो, कितनी भी बुरी कंडीशन हो पशु की, लेकिन ये अगर हाथ धर देंगे नहीं तो चीज सोना हो जाओगी। हाथ लगाते ही सोना बनाने वाले हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि एक मैंने अजमाया भी भाई, 2-3 चोटियां इनके पास ऐसी स्थिति में आई हैं बिल्कुल, जो यूं कहते थे हम भाई शायद मुश्किल है जीनी, लेकिन उन्होंने एक बढ़िया तैयार करके ऐसी फाइव स्टार मुर्रा बनाया उनको, और ये सबूत है भाई उसका। तो डॉक्टर साहब आज जो चोटी की वीडियो बनाने जा रहे हूँ भाई, ये वो चोटी है, मैंने बताया था कि इसकी 2 करेड़ियाँ अपने घर पे हैं, इसकी माँ भी अपने नॉलेज में है, और खूब अच्छी दुधारू है जी। डॉक्टर साहब एक बार पूरी जानकारी दो, कितने महीने की है पिण होगी इसके? 23 तारीख को ब्याज पूरा हो जाएगा। 23 तारीख को, 23 तारीक आज तारीख होगी, 6 तारीख, 6 तारीख होगी, 23 तारीख को ब्याज पूरा हो जाएगा। कई बंदे नु कहे भाई जो लंबा ज्यादा दूध दे हुआ, लंबा कौन दे हुआ, हाँ। एक बिन्ने चाट बंद करके नटाई दिया। अच्छा अच्छा, भाई यहाँ लोगों की भावना है यार, हाँ, 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 भाई जो भैंस ज्यादा दूध दे है वह लंबा कौन दे हुआ, लंबा कौन दे, हाँ बिल्कुल सही बात। मैं तो 4 बिन्ने पहले लेके आया था, यार एक बिन्ने चाट बंद करके नटाई है। अच्छा अच्छा, जैसे थोड़ी वीक है, लंबा दूध देने वाली है, लंबा दूध देने वाली, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लोगों का मन में भावना है कि भाई जो लंबा ज्यादा दूध दे हो लंबा कौन दे, ठीक है, इसी कोई बात। तो अभी कौन से ब्यात में ब्याह होगी? ये पांचवें ब्यात में ब्याह होगी, पांचवें ब्यात में, बिल्कुल सही बात बताई। तो दूध कितने की उम्मीद रखी थी आपने? दूध तो जी दीपक भाई आप पे बताओगे, आपके पापा ने दिवाई है जी जी जी। मैं तो, भाई अपने फार्म पे रही है ये, और लगभग 2 ब्यात अपने फार्म पे रही है, और खूब बढ़िया दूध भाई। एक तो यूं कहते हैं कि 20 किलो देगी, एक दिया था इस भैंस ने, खुला दूध दिया है 20 किलो। और देखो अडर क्वालिटी के थना की बात करा, थन बहुत प्यारे हैं, लेकिन थोड़े से नज़दीक हैं, ये बात मैं बताऊंगा आपने, आगे से दिखा दे भाई एक बार, थन थोड़े नज़दीक हैं, ये दिखा दे, थन थोड़े से नज़दीक हैं, लेकिन जो इनकी धारों की क्वालिटी है या फिर अडर की क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है। और मैंने इसकी वीडियो भी डाली थी भाई एक बार आप लोगों के सामने, वो भी आपने देखी होगी, 22-23 किलो ये दूध आज पांचवें ब्यात में निकालेगी, खुला दूध तो है 20 किलो देव है, 19-20 किलो ग्वाल में दे है 20, हाँ, 20 प्लस ग्वाल इतना तो 20 प्लस में देव है, लेकिन 22-23 किलो दूध तो बढ़िया निकाल देगी। आपने क्या लगा? मैं ज्यादा उम्मीद करूँ, ज्यादा उम्मीद करो, क्योंकि तैयारी भी अच्छी हो रही, ज्यादा उम्मीद करूँ, ठीक है। तो क्या खान के हिसाब से देखो, मैंने 3 बिन्ने हो गए लेके आया इसने जी, खान के हिसाब से देखो मैं ये कितना खाओ, कितना खाओगे, सही बात है, खाओ बहुत ज्यादा, खाओगे नहीं, खाओ बहुत ज्यादा, खाओ बहुत ज्यादा। कई नु कहे भाई लोग सरसम की खड़क उनका हमारी भैंस जी जी, बहुत ही
अच्छा चारा सरसम की खड़, ठीक है, या 2 किलो सरसम की खड़ सूखी खा जाओ, ठीक है ठीक है, मतलब सूखी डाल दो या खा जाएगी, ठीक है ठीक है। तो अभी कौन से बुल से क्या पिण है? ये अर्जुन से, अर्जुन कुंगर से क्या पिण है भाई, और बहुत प्यारा छोटा सींग है, हाइट लेंथ भी खूब अच्छी है, लगभग ये देख लो जेड ब्लैक है, और हर चीज जो कहूंगा इस भैंस के बारे में कम है, तो आप ही ने आपने बताया लगभग अच्छा दूध निकाल देगी, नॉलेज आपने बहुत ज्यादा है, तो आगे इसको सेल करना है या फिर कैसे? हाँ, बैंत को ऊपर करके दूध तैयार करके फिर इसीलिए मैं पशु भी इसीलिए जो ले आऊं बेहतरीन पशु ले आऊं ब्याह की दूध तैयार करके फेरे दूं, फेरे दूं, हां ताजा भैंस का कोई विशेष काम को, ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही बात है। बाखड़ी भैंस ले आओ बढ़िया, क्योंकि फील्ड में रहूं पूरे दिन, फील्ड में दिखा भाई फार्मर थोड़ा परेशान हो गया बेचना मन है, तो मैं ले आऊं। आज जो पशु भाई थोड़ा मतलब देखो जोटी का तो बहाना था, आज वीडियो में कुछ और बातें बतानी है, एक तो मतलब जानकारी इतनी ज्यादा है, अगर आपकी कोई भैंस दूध से नहीं चल रही हो या फिर मैले से नहीं चल रही हो, दूध पिछले ब्याज से कम दे रही हो, ज़्यादा लंबा दूध नहीं दे रही हो, वो सारी बातों का निचोड़ डॉक्टर साहब करते हैं। डॉक्टर साहब यूँ बताओ, कोई भैंस मतलब ब्याज पर आवा है अच्छी 15-20 किलो वाली, तो क्या क्या थोड़ी बहुत सावधानियाँ बताओगे आप? सबसे जो भी ट्रीटमेंट भी करवाओगे ना डॉक्टर पर, तो मालिक के करवाओगे ना कि आके डॉक्टर आओगा, दो बात उसने बताओगे तो ही वो अगला ट्रीटमेंट शुरू होगा, पशु तो बोल की बताओगे नहीं, ठीक है मेरे यहाँ समस्या है जी, मालिक बताओ भाई इसका इतना चरी को नहीं पतला गोबर है टाइट है, के ठीक है हेल्प करेगा पशु मालिक ट्रीटमेंट करवाना, ठीक है 50% डॉक्टर अनुभव कर लेगा, 50% तो पशु मालिक ने बताना पड़ेगा, उसे ने बताना पड़ेगा। अच्छा खास चीज रहती है, बहुत सारे भाई पूछते हैं, कमेंट भी बहुत आते हैं, भैंस को ब्याज से पहले यानी डिलीवरी देने से पहले तेल और घी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसके बारे में क्या राय दोगे आप? पशु ने पढ़ना पड़ा है तेल अच्छा राज्य खा घी, अच्छा वो पशु पर डिपेंड करता है, 2 किलो घी तो घी का सेती फिर मीठा दो, अच्छा मीठा दो ठीक है, लीवर पर जो घी देवांगे ना भी कई फैटी लीवर बोलते हैं भाई, हां फैटी लीवर हो जाओ बोलते हैं जो दवाई दुई वाले कहें भाई इसका फैटी लीवर हो गया, यदि आप चिकनाई का सेती मीठा देंगे ना मीठा दे दो तो फैटी लीवर नहीं होगा, फैटी लीवर मीठा वापी खांड देश का गुड़ देश का खांड खांड बेहतरीन, ठीक है। कईयां का मन में भावना है लोकल समाज में जी भाई खांड दोगे तो महेश खराब हो जाएगी, हाँ हा। 1% भी बात नहीं है, क्योंकि हमारे घर पर औरत का बच्चा पैदा हो जाता है तो गूंद जो हमें खिलाते हैं वो खांड में डाल के जाते हैं, बिल्कुल, या 80% लोगों के मन में भावना भाई महेश ने खांड दी महेश खराब, या गलत बात है भाई, तो हाँ, चीनी खराब है, हाँ, चीनी खराब, चीनी खराब है, ठीक है, खांड तो बहुत ही बेहतरीन है जी जी, चाहे वो गर्मी में भी देश का हाँ ठंड में भी देश का कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, गुड़ दो गर्मी का भिन्ना में गुड़ दो जी, ठंडे पानी में घोल के गुड़ का नमक देश का, ठीक है ठीक है। तो ये वो छोटी है भाई खूब अच्छी है, आज इसके हालात देख लो और महीने बाद जब ये ब्याज पा जाओगी 26 तारीख को तब फिर वीडियो बनावांगे इसकी, और खूब बढ़िया बने है, पीछे की लोटी बहुत है, आगे की भी अच्छी है, दूध की भी बहुत अच्छी है, अगर अच्छी खासी परमात्मा साथ रहा तो इसकी लाइव मिल्किंग भी करवाएंगे, इसकी 2 कटड़ी जो है वो अपने घर पे है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, एक बार आगे वाले पशु और दिखा दो डॉक्टर साहब, आ जाओ और खास बात दिखाओ, एक बार खुरली और दिखा दो आपकी, ये दिखाओ भाई, करिए भाई जूम एक बार, टाइल लगवा रखी है डॉक्टर साहब ने, प्लस पॉइंट ये चुंबक है ना डॉक्टर साहब, चुंबक मैग्नेट, अच्छा चुंबक लगा रखी है, इसका क्या कारण है? इसमें सारा चारा हो फीड हो जो भी हो अच्छा। से कट के आओ है ना, ठीक है 80% बचाओ हो जाए, जो भी कचरा हो इसका चिप जाओ, ठीक है ठीक है। अच्छा जो भाइयों का आग्रह भी मार ली चोबा खा गई, हाँ उससे बचाओ हो जाए, हमारे वाली थोड़ा लो खा गई, लो का वजन हो है ऊपर लगा तो नीचे जाके रुक जाए, अच्छा इसमें अटक जाओगा, यो भी खूब अच्छा काम किया भाई, टाइल लगा रखी है खूब बढ़िया। अच्छा एक देसी गाय आपके पास, ये भी बहुत शरीफ है जी, इसके बारे में और बताओ थोड़ा, ये थार पार्कर मिक्स है जी, थोड़ी सी 50% देसी है 50% थार पार्कर, 4.5 महीने की प्रेग्नेंट है जी, 4.5 महीने की प्रेग्नेंट है, ये अपने घर पे ही लिए रखी है, हाँ जी घर पे ही, देखो भाई शरीफ बहुत ज़्यादा है, ये देखो बहुत ही अच्छी शरीफ है, और देसी गाय में चंचलता बहुत हो लेकिन खूब अच्छी शरीफ है, ये भी बहुत बढ़िया, तो घर के लिए रखिए डॉक्टर साहब, हाँ ये घर के लिए, ठीक है, ये भी मैं ऐसे ही बाखड़ी भैंस लेके आया था, अच्छा ये भी बाखड़ी लेके आए थे, हाँ इसके भी हालात मारे थे, मारे हाथ इस पर रख दिया सोना, इसको भी बना दिया, मारे हालात बिल्कुल मारे थे, अच्छा या सुखप्रत आई थी मुंडाला का लिया या सुखप्रत पे तसल्ली करके, अच्छा मुंडाला वाला था मैंने ले ली, ठीक है भाई बढ़िया दूध की है तो मैं ले लू, नहीं तो भाई बिका है तो बेच दूंगा, ठीक है तो सुखप्रत ने बोला बहुत बढ़िया दूध की है ले लो डॉक्टर साहब, अच्छा अच्छा खाली करके लिया था प्रेग्नेंट मिल गई मैंने, प्रेग्नेंट मिल गई, हाँ
तो मैं एक तारीख ने दो महीने रह गए इसके, कंडीशन बहुत माड़ी थी, बहुत माड़ी, बढ़िया। हाँ तो वेटनरी इलाज आप ज्यादा किसको? ज्यादा पशु ने देखना पड़ा है भाई। अच्छा। समस्या क्या है? यूं बताओ, अंग्रेजी इलाज सही रहोगा, देसी इलाज सही रहोगा, आपका क्या कहना? हालत देख के, हालत देखी होगा, ठीक है, देसी भी हो जाए। एमरजेंसी है तो आईसीयू में जाना पड़ेगा। हाँ हाँ सही बात है, एमरजेंसी है तो आईसीयू में। एलोपैथिक को भी गलत नहीं कह सकते, आयुर्वेद को भी बिल्कुल बिल्कुल, और होम्योपैथी गलत नहीं कह सकते। ऊपर से दिखा दे भाई भैंस को, खूब बढ़िया तैयार हो रही है। आज का दिन तो कोई भाई यूँ ही नहीं कह सकता कि इस भैंस का रोग था। ये देखो खूब अच्छी तैयार कर दी। तो खास मोटो यो था भाई, जिन भाइयों की भैंस खराब हो जाओ है, हम देखा 90% 80% जो ताजा भैंस ब्याह है खराब हो जाए, खराब बेहतरीन, जो सबसे बेहतरीन भैंस होगी नहीं, ये सच्चाई है, वही खराब होगी, नहीं नहीं होगी। अच्छा बेहतरीन जो 20 से प्लस होगी। हाँ। खराब वही होगी, ठीक है, 8-10-12 वाली खराब नहीं होगी, ये कन्फर्म है, ये कन्फर्म है। हाँ ये कन्फर्म है। सही बात है, ये भी अच्छी बात बताई, 20 प्लस की भैंस खराब होगी। अच्छा अच्छा ठीक है, इसका कोई रीजन होता होगा? हाँ उसको जितनी चीज की आवश्यकता है वो मिल नहीं पाती, वो मिल नहीं पाती। जरूरत तो हमें पानी की है, पिलाई हमें दूध या घी, पानी का काम पानी से चलेगा, घी का दूध, घी का काम घी से, घी से, हर दोनों चीज जरूरी है। हाँ दोनों चीज जरूरी, बिल्कुल सही बात है बताई। अच्छा एक नहलाने का भी होता है पशु? हाँ, ये सबसे, ये सबसे मुख्य कारण खराब होने का यही है। अच्छा यही है। हाँ इसके बारे में 80% पशु का खराब होने का कारण है नुहाना। अच्छा तो किस टाइम नहलानी चाहिए? हर किसी के पास भी मैं ट्रीटमेंट करने जाऊँ, आदमी हो लेडीज हो, पहली बार ये कहूँ भाई सिर पर पानी गिरो, चाहे जड्डा हो चाहे गर्मी हो, पहले सिर सब तो पहली 2-3 मिनट पहले सिर पर डालो। हाँ। 2-3 मिनट ठीक है। शाम को इस दिन में 7 बजे पाछा और 6 बजे तक पहली पहली, सुबह 6 बजे तक पहली, शाम ने 7 बजे बाद में गर्मी का भी नम। अच्छा गर्मी दिन, दिन में नहीं नुआ मारा तो नड़के बोले 1 बजे आऊ भाई। नड़के का क्या मतलब भाई? पशु रख लो तो तारे हिसाब से काम, पशु का हिसाब से थोड़ी करो। हाँ सही बात है, पशु रखो तो पशु के हिसाब से चलो भाई। तो डॉक्टर साहब ने बताया भाई सुबह तो 6 बजे आपने ला दो पशु ने, शाम को 7 बजे नहीं ला दो, यही बात बताई। दिन में टेम्परेचर काम खराब होने का कारण ये नुहाना है। 80% भैंस का नुहान का कारण खराब होने का, ये कन्फर्म है, ये कन्फर्म है, पक्का मैं दावा करूंगी बात का। अच्छा पक्का दावा। तो बहुत सालों से वेटनरी में है जी और बहुत अच्छी नॉलेज भी है। दीपक भाई तो रहे कितनी बेहतरीन जोटी थी। हाँ। ये पवन का भी काम बार भीतर कर रहे, दीपक का भी दादा बुजुर्ग हो गया। हाँ, हाँ, हाँ। जो लेबर कोई भी किसी की भी लेबर हो, मेरी भी हो चाहे दीपक की भी, किसी की भी लेबर हो, लेबर के पास लेबर बन की रोग है तो काम देगा नहीं, लेबर काम कौन करेगा? जी जी जी। तो उसके ना आपका हिसाब तो कोई आई नुआ दी। हाँ कभी नहीं। 10 लाख रुपया ही बैंच में 70,000 की दीपक ते ले गया, हर 2 लाख की मैंने बेची थी, बाखड़ी लिया हर बाखड़ी बेच दी। एक मैंने वीडियो भी डाली थी, वो खर की झोटी थी, 19 किलो दूध दिया सेकेंड टाइमर में, 22 किलो, तीसरे टाइम में वह थोड़ी सी खराब हो गई थी। वो इतनी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई, यानी कि जहाँ पर 5.5 लाख 6 लाख खुला ऊपर था, वो 70,000 रुपये की। डॉक्टर साहब यूँ बोले ठीक है मैं ठीक करूँगा इसने, और वो भगवान की दया से ठीक भी हो गई। ठीक हो गई, मैंने 2 लाख रुपये की बाखड़ी लिया हर बाखड़ी बेच दी। हाँ 2 लाख रुपये की आगे सेल होगी, डॉक्टर प्रदीप बलम्बा हो गई। हाँ तो यही बात है, थोड़ी बहुत समस्या हो जाओ है और थोड़ा हाथ ध्यान रखा सुन, और मोबाइल नंबर स्क्रीन पर चल जाओ भाई, अच्छी जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हो। और ये भैंस भी कितने में खरीदी थी इसका बताओगे थोड़ा? इसका बताओगे कितने में खरीदी थी? 80,000 रुपये 80,000 रुपये की। ये भी मैं बता दूं भाई, पहले अपने फार्म पे थी, फिर गाँव में गई, अपने गाँव में ही एक आम पशुपालक के पास, उसके पास भी खराब हो गई थी, थोड़ी दिक्कत आ गई थी, तापमान की दिक्कत, तापमान का गर्म सर्द की, बस यही। और फिर अभी ठीक है, बढ़िया जुगाड़ी करे है। तो नहलाना मेन कारण बताया। हाँ, मुख्य कारण। अगर आप काम कर सको तो करो एक बार, अच्छा रहेगा। तो डॉक्टर साहब एक बार राम राम कर दो सारे ने। राम राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मोबाइल नंबर फिर से दे दो एक बार, 99-916-40-639। ठीक है, ये मोबाइल नंबर है डॉक्टर साहब का। फिर से एक और वीडियो लेकर आएंगे, कोई देसी नुस्खे पर या फिर किसी अच्छी चीज पर, वो पार्ट 2 में हम दिखाएंगे कभी। ठीक है, तो सभी साथियों को नमस्कार जी, राम राम सारे भाई। राम राम।